हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ना, मुझे बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन है और सब जगह जो है वो कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हर जगह लॉकडाउन है, बट इस लॉकडाउन में एक चीज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो प्रेफर कर रहे थे, और वो है सेल के बारे में। बिकॉज यहाँ पर कितने टाइम से यहाँ पर जो एक भी सेल नहीं आई है, बट फाइनली अभी यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट की सेल आ चुकी है, जो कि 27th, 28th और 29th, ये 3 दिन चलने वाली है, और इसी से रिलेटेड काफ़ी तगड़ी डील्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली ऑल इन वन पीसीज के बारे में, जहाँ पर आपको एक ऐसा पीसी होगा जिसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कोई सीपीयू नहीं होगा, बट एक ऑल इन वन पीसी जहाँ पर सिर्फ डेस्कटॉप, कीबोर्ड और माउस का सपोर्ट होगा, बट ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको काफी एक अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस टैग में देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला जो हमारा बजट कैटेगरी वाला ऑल इन वन पीसी है, वो है एचपी की तरफ से आने वाला है एचपी। तो इसमें आपको जो है वो एक 21.5 इंच की फुल एचडी प्लस की काफी तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आप इसको डेस्क पे सजाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको कमाल की लुक देने वाला है आपके पूरे डेस्क को, आपके गेमिंग डेस्क को, या तो आपके ऑफिस डेस्क होगा तो भी। आपको काफ़ी बढ़िया कीबोर्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, माउस का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माउस इसमें जो यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं थोड़े स्पेसिफिकेशंस, थोड़े टेक्निकल चीज़ों पर। तो यहाँ पर मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा राइजन 3 ड्यूल कोर 3250U का चिपसेट, जिसकी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो 3.5 GHz तक की है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस डिवाइस को यूज़ करने के टाइम पे। और स्पेसिफिकली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स है, और अगर उनको कोई बजट प्राइस टैग में अगर पीसी चाहिए था, तो ये पीसी आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें आपको 72% का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक एक्यूरेट क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जब हम किसी भी वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, या तो अगर हम कोई कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कलर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और यहाँ पर आपको NTSC का 72% का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्मल डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये आपको नोट डाउन करने वाली बात है अगर आप स्पेसिफिकली ऐसा कोई डिवाइस ढूंढ रहे थे। इसी के साथ बात करेंगे हम इसके और भी चीज़ों के बारे में, जैसे रैम और स्टोरेज की बात करते हैं, तो रैम में आपको देखने को मिल जाएगी 4GB की DDR4 की रैम, प्लस इसमें आपको जो वो हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है, बट ये जो हार्ड ड्राइव वो 7200 RPM की है, यानी कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हार्ड ड्राइव देखने को मिलने वाली है। इन टर्म्स अगर हम SSD से कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली हार्ड ड्राइव की स्पीड SSD को नहीं मैच कर पाएगी, बट हार्ड ड्राइव के ही वेरियंट में ये टॉप वेरियंट होगा, जहाँ पर आपको काफ़ी कमाल की क्लासी स्पीड देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 2W के जो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, बिल्ट इन स्पीकर्स है, सभी तरह के पोर्ट्स है, माइक्रो आपको SD कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, तो आपको इसमें एक HD कैमरा भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आपके कुछ मीटिंग्स होते हैं, तो अगर आपको कैमरा की यूसेज हो, तो डेफिनेटली आप इसमें वर्कआउट कर सकते हो। अब हम फाइनली बात करेंगे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये भी आपको 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, प्लस यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि कंपनी की तरफ से आती है। और इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो ये सिर्फ 31,990 rupees को आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि लगभग किसी भी एक लैपटॉप के प्राइस रेंज में। तो मुझे लगता है काफ़ी एक कमाल का डिवाइस है, अगर जो भी आप ऑल इन वन पीसी ढूंढ रहे थे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक कमाल का ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ऑल इन वन पीसी के बारे में। तो यहाँ पर ये थोड़ा उससे ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा नहीं बट कुछ 3000 to 5000 का आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और ये जो है वो एसुस की तरफ से आने वाले एसुस ऑल इन वन पीसी है। यहाँ पर आपको 21.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको पिछले लैपटॉप की तरह 72% का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। ये एक नॉर्मल फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको 100% की sRGB का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो चिपसेट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर राइजन था, तो यहाँ पर इंटेल है, यहाँ पर आपको i3 10th generation का चिपसेट देखने को मिलता है। इसकी जो मैक्स फ्रिक्वेंसी है वो 4.1 GHz की है, यानी कि राइजन के मुकाबले ये थोड़ा सा पावरफुल है।
बट कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जहाँ पर जो पिछला जो हमारा ऑल इन वन पीसी था वो इसके मुकाबले थोड़ा सा बेटर था। अब वो क्यों था वो भी हमें आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। तो अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करते तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाएगी जो कि DDR4 को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर आपको जो हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है वो 5400 RPM की है और वहाँ पर आपको 7200 RPM की देखने को मिल रही थी। तो इतना डिफरेंस है, यानी कि रोटेशन साइकिल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपको स्पीड थोड़ी उसमें ज़्यादा मिलेगी, इसमें थोड़ी सी कम मिलेगी, बट डजेंट मैटर बिकॉज आपको परफॉर्मेंस जो है वो दोनों में ही काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंटेल की ताकत, वहाँ पर राइजन की ताकत, दोनों ही काफ़ी तगड़े चिपसेट है, काफ़ी कमाल की कंपनीज वैसे बनाती भी है। ओवरऑल अगर हम बात करते तो दोनों भी काफ़ी कमाल के यहाँ पर जो ऑल इन वन पीसीज है। यहाँ पर आपको सभी तरह के पोर्ट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। विंडोज 10 के साथ ये आता है। यहाँ पर आपको वही HD कैम देखने को मिलेगा, वायरलेस माउस है, कीपैड है, और यहाँ पर एक चीज़ की कमी है वो है MS ऑफिस की, जो कि आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो बट यहाँ पर आपको बेस प्राइस में नहीं मिलती है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ तो वो 36,990 रुपीज़ यानी कि 37,000 रुपीज़ और वो था 32,000 रुपीज़। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है प्राइस में, बट आफ्टर ऑल इट्स अबाउट योर चॉइस। आपको कौन सा पसंद आता है वो आपके ऊपर है। डिज़ाइन क्वालिटी दोनों की थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है डिज़ाइन क्वालिटी में। अभी आपके प्रेफरेंस पे कि आपको कौन सी डिज़ाइन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है उसके बेसिस पे आप जो है कोई भी एक पीसी चूज़ कर सकते हो। बट इसके बाद जो उस पीसी में बात करने वाला हो वो तो सबसे तगड़ा वाला है। यहाँ पर आपको गेमिंग भी देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छी तरीके से। सो उस पीसी के बारे में भी बात करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जो है वो ये बढ़िया बढ़िया डील्स जल्दी से जल्दी पता चले और वो भी जो है वो इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी डील्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लास्ट ऑल इन वन पीसी के ऊपर जो कि आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो आइडिया सेंटर। ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी जो प्राइस है वो भी एक हाई लेवल प्रीमियम ऑल इन वन पीसी की तरह है। यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़े वाले स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं और मुझे जो इसके डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि इसमें आपको जो 23.8 इंचेस का जो डिस्प्ले देखने को मिलता है तो साइड बेजल्स ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इसकी डिज़ाइन है। ओवरऑल डिज़ाइन क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है लेनोवो ने। अब स्पेक्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको i5 10th generation का चिपसेट देखने को मिलता है जिसकी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो 4.2 GHz की है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। प्लस इसमें अगर मैं रैम और स्टोरेज की बात करता हूँ तो 8GB की रैम है जो कि DDR4 को सपोर्ट करती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2666 MHz की है, यानी कि कंपैरिजन टू प्रीवियस बोथ दी ऑल इन वन पीसीज इसकी जो वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको जो हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है वो 5400 RPM की है। प्लस यहाँ पर और एक बेनिफिट देखने को मिलता है वो है 256GB SSD का बेनिफिट, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा कमाल का और बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया फीचर है। और यहाँ पे अगर हम बात करते सभी तरह के पोर्ट्स के बारे में, इसके HD कैमरा के बारे में, तो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर 3W के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं तो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वो उससे भी ज़्यादा तगड़ी है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 60,000 रुपीज़ है। जी हाँ गाइस, 60,000 रुपीज़ में ये आता है। मुझे लगता है अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी अगर कम होती तो ये एक वर्थ होता, बट अभी भी मैं कहूँगा कि ये एक वर्थ है क्योंकि डिज़ाइन वाइज और अगर मैं इसके ओवरऑल पर्पज़ की बात करता हूँ तो मुझे लगता है 60,000 में दिस इज़ वर्थ बाइंग क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हो तो मुझे लगता है एक पॉइंट पे ये लेना एक वर्थ भी है 60,000 के प्राइस टैग में। वैसे आप कुछ ऑफर्स वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ही एंड होता है। अगर कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लस मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाकर जो मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।